हेलो फ्रेंड, सुनीता की सुना रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लड्डू बनाए हैं। ये लड्डू सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। एक लड्डू रोज़ आप खाइए, गर्म पानी के साथ या दूध के साथ। इम्यूनिटी एकदम स्ट्रांग हो जाएगी और हड्डी तो लोहे जैसी मजबूत। सबसे पहले हम गेहूं को भून लेंगे। उसके लिए हम कढ़ाई में घी को डालेंगे। घी गर्म हो गया है, अब इसमें हम गेहूं को डाल देंगे। एक कटोरी गेहूं को डाल करके इसको अच्छी तरह से हम फ्राई करेंगे। मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे मेरा हौसला बढ़ेगा और हम ऐसे नए नए रेसिपी बना के आप लोग के लिए लाते रहेंगे। अब ये हो गया है, इसका अब हम गैस ऑफ कर देते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। ये ठंडा गेहूं मेरा ठंडा हो चुका है। अब इसमें थोड़ा सा घी एक चम्मच और डालेंगे। जितना ड्राई फ्रूट्स हैं इस सबको भी हम इसी में थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। इसको ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, बस थोड़ा सा रोस्ट करना है। अब हम गैस ऑफ कर देते हैं। ये हो गया है, अब इसे हम ठंडा होने देते हैं। सबसे पहले इसमें हम चना को थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। चना भुना हुआ है लेकिन फिर भी इसको थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। इस तरह से सबको हम गर्म करके निकाल लेंगे। इसमें हम थोड़ा मखाना को भी हम रोस्ट कर लेंगे। ये सारे ड्राई फ्रूट्स भी सब ठंडे हो गए हैं। चना और ड्राई फ्रूट्स को सबको इकट्ठे हम साथ में ही इसको हम एक महीन फाइन पाउडर बना लेंगे। पाउडर बन चुका है, अब इसको हम एक छलनी में डाल करके सबको अच्छे तरह से छान लेंगे। इसका मोटा पार्ट सब को अलग कर देंगे और इसका एक पाउडर हम निकाल लेंगे, जिससे लड्डू बनने में आसानी हो। इसी तरह हम गेहूं को भी अच्छे तरह से हम पीस करके इसका भी पाउडर बना लेंगे। इसको चाल देंगे। ये धागे वाली मिस्त्री, ये इसमें मिस्त्री को अच्छी तरह से तोड़ करके इसको हम ग्राइंडर से पीस लेंगे। इसमें कितने ये धागा है, ये धागे वाली मिस्त्री है, इसको लेकर के इसको अच्छे से तोड़ करके इसको भी महीन पाउडर बना लेंगे। मैंने सारे मिस्त्री को इसमें तोड़ के डाल दिया। अब इसको हम एक फाइन पाउडर बना, पाउडर बन चुका है। अब इसको भी हम छन्नी में छान लेंगे। एक बर्तन ले लेंगे, उसमें एक जाली रख देंगे, इसको हम चाल लेंगे। तो पाउडर बना लिए, अब इसको भी हम छान लेंगे। धागा उगा जो होगा तो छानने से ये सब निकल जाएगा। ये मिश्री का पाउडर मेरा तैयार हो चुका है। अब हम इसको आगे का प्रोसेस करिए।
दो चम्मच खरबूजे का बीज, इसको भी हम थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। अब थोड़ा सा पटपट का आवाज आने लगा है, अभी हो गया। अब हम गैस ऑफ कर देते हैं और इसे भी ठंडा होने देते हैं। काजू, नारियल और किशमिश, इसको भी हम थोड़ा सा सेक लेते हैं। उसके बाद इसको भी हम हल्का दरदरा कूट लेंगे। लड्डू बनाने के लिए भुना चना 1 कटोरी यानी 200 ग्राम, भुना गेहूं का आटा 3 कटोरी यानी 500 ग्राम, मिल्क पाउडर 4 चम्मच, मिश्री पाउडर 600 ग्राम, खरबूजे का गिरी 2 चम्मच, इलायची पाउडर 1 चम्मच, ड्राई फ्रूट इच्छा अनुसार, सबको मिला करके इसको हम रख लिए हैं, यानी सबको हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। इससे लड्डू में टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और लड्डू बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छा बनेगा। इस तरह से मैंने सबको मिला के रख लिया है। अब इसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट का पाउडर वगैरह बच गया था, वो सब भी इसमें हम डाल देंगे। इसमें जितना भी घी और ड्राई फ्रूट डालिए वो कम ही है। लड्डू के लिए घी पर्याप्त होना चाहिए, ड्राई फ्रूट थोड़ा कम डालिए लेकिन घी एकदम पूरे पर्याप्त होना चाहिए। धीरे धीरे करके हम इसमें घी मिलाते रहेंगे। इसमें खरबूजे का गिरी जो है वो भी हम इसमें हम डाल करके इसको अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। ये दूध का पाउडर है, इसको भी इसमें डाल करके इसको अच्छी तरह से हम मिला देंगे। ये दूध का छाली है जो कि हमने निकाल के रखे हैं। ये छाली से बहुत अच्छा टेस्ट आता है लड्डू में। कोई भी सामान बनाइए, ये छाली बहुत ही अच्छा होता है उस बाइंडिंग के लिए। इसमें हम वो छाली डाल करके इसको अच्छे तरह से हम मिला देंगे। इसको अच्छी तरह से मसल मसल करके इसको अच्छे से मिला लेंगे जिससे कि लड्डू अच्छे से बंधे। अब हाथ में थोड़ा सा घी लगा करके हम सारे लड्डू को बांधना शुरू करेंगे। इस तरह से मैंने एक एक लड्डू को छोटे और बड़े साइज में आप जैसा मन हो वैसा बना सकते हैं। मेरा लड्डू तो बड़ा बड़ा ही है, मैं बड़ा बनाया, आप इसे छोटे भी बना सकते हैं। रेसिपी आपको कैसी लग रही है कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छा लग रहा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे बेस्ट है। वीडियो रेसिपी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले रेसिपी में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय एंड टेक केयर।